हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए बेटा, आज हम लोग देखते हैं 10 मिनट बायोलॉजी में एक और चैप्टर जिसका नाम है एस्क्रीशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है एस्क्रीशन एंड इट्स ऑर्गेनिज्म, यानी हम समझेंगे एस्क्रीशन और उसकी इम्पॉर्टेंस को। ठीक है बेटा, जो एनिमल अमोनिया डिस्चार्ज करते हैं और जो पानी में पाए जाते हैं, फिर से सुनिए, जो एनिमल अमोनिया डिस्चार्ज करते हैं और पानी में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल। ठीक है, तो अमोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द एनिमल विच एस्क्रीट अमोनिया आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक, और जो एस्क्रीशन करते हैं उसे बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। इस फिनोमिना को अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। पानी वाले जीव जंतु ऐसे होते हैं जैसे अमीबा हुआ, ओरिफेरा में साइकॉन्स आते हैं, सीलेंटेटा में हाइड्रा आता है, प्लेटी हेलमेंथीज के मेंबर ऐसे ही होते हैं जैसे टेपवर्म हुआ, लिवर फ्लूक हुआ। लीचेस, प्रॉन और बोनी फिशेस जो ज़्यादातर पानी में पाई जाती है वो अमोनिया ही डिस्चार्ज करती है। फिर आगे देखते हैं बेटा, यूरियोटेलिक क्या होते हैं। तो यूरियोटेलिज्म वो फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है, जो एस्क्रीशन ऑफ यूरिया करते हैं। तो एस्क्रीशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म, एंड द एनिमल विच एस्क्रीट यूरिया इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिक एनिमल। एनिमल को बोलेंगे यूरियोटेलिक और इस फिनोमिना को बोलेंगे यूरियोटेलिज्म। ठीक है, क्या क्या आएंगे इनमें, मैमल्स आएंगे, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आते हैं, मैरीन फिशेस यानी कार्टिलेजनस फिशेस आती हैं, और स्टिंग रे उसी में आता है बेटा। तो मैरीन फिशेस ना बोल करके आप बोलिएगा कार्टिलेजनस फिशेस, तो वो सारे आ जाएंगे। यूरिकोटेलिज्म क्या होता है, इसमें यूरिक एसिड डिस्चार्ज करते हैं एनिमल, इसमें एनिमल यूरिक एसिड डिस्चार्ज करते हैं और इसको बोलते हैं यूरियोटेलिज्म, और एनिमल को बोलेंगे यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आरबीआई, आरबीआई लिमिटेड, आरबीआई लिमिटेड। रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट और लैंड स्नेल्स, लैंड स्नेल्स। तो ये देखो, लैंड स्नेल, इंसेक्ट्स हो गया, रेप्टाइल में सारे आ जाएंगे। ठीक है, और बर्ड आ गया। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, हमारी किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है बेटा, हमारी किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उन्हीं को बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो याद रखिएगा, नेफ्रॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, हर एक किडनी के अंदर करीब 10 लाख यानी 1 मिलियन तक नेफ्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, तो आपको रफली बता दें, इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। फिर होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद होता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले हेयर पिन लाइक होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, डीसीटी, और डीसीटी खुल जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, डीसीटी खुल जाता है कलेक्टिंग डक्ट। देखिए, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पूरा लूप ऑफ हेनले। ठीक है, फिर ये है डीसीटी और ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो देख लीजिए, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस भी इसी का पार्ट होता है, डीसीटी। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट बोला गया, एनसीईआरटी की बुक में रिफर करिए। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बीन शेप, रेडिश ब्राउन होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर बड़ा होता है। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर की विड्थ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है, और ओवर एंड ऑल वेट हर एक किडनी का 120 से 170 ग्राम तक का होता है, जिसका औसत वैल्यू लगभग आएगा 150 ग्राम। ब्लड वेसल्स, यूट्रस और नर्व जहां से एंटर करती हैं उस प्लेस को हाइलम बोलते हैं, हाइलम जो कि एक नॉच की तरह होता है, तो हाइलम या नॉच बोलते हैं। ठीक है, किडनी में दो भाग होते हैं, किडनी का बाहर का जो कवरिंग होता है वैसे उसको बोलते हैं कैप्सूल, टफ कैप्सूल होती है, तो किडनी के चारों तरफ टफ कैप्सूल होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और किडनी के बाहर का जो जोन होता है वो कॉर्टेक्स, किडनी को अगर हम ऐसे बांट दें तो बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स और अंदर का मेडुला, बाहर का कॉर्टेक्स और अंदर का मेडुला होता है। मेडुला के अंदर कुछ कोनिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मेडुला के अंदर कुछ कोनिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड। ये देखिए, रीनल पिरामिड या मेडुलरी पिरामिड, इन पिरामिड से कुछ ट्यूब निकली होती हैं, उनको बोलते हैं कैलिसिस, उनको बोलते हैं कैलिसिस। और कैलिसिस जो होता है वो जो कैलिसिस होता है वो आगे चल के एक फनल से स्ट्रक्चर में खुल जाता है जिसको बोलते हैं रीनल पैल्विस, जिसको बोलते हैं रीनल पैल्विस। और रीनल पैल्विस कहाँ खुलता है, ये यूरिटर में खुल जाता है, ये यूरिटर में खुल जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब कह रहा है कॉर्टेक्स के बीच बीच में मेडुला का कुछ हिस्सा धंसा रहता है, मान लो ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। अब ये देखो, ये एक पिरामिड है, ये दूसरा पिरामिड है, ये देखिए इसका कैलिसिस है, ये इसका कैलिसिस है, और ये रीनल पैल्विस में खुल जाता है। ठीक है,
तो यहाँ देखो ये हिस्सा कॉर्टेक्स का है लेकिन मेडुला में धस गया, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, यानी द कॉर्टेक्स स्टैंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, यानी कॉर्टेक्स का हिस्सा मेडुलरी पिरामिड के बीच में धसा रहता है, इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, पूरा नाम होता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, देखिए हमारी किडनी में टोटल कार्डिक आउटपुट का, हमारी किडनी में टोटल कार्डिक आउटपुट का 1/5 यानी कि लगभग 20% ब्लड आता है। अब हमारा कार्डिक आउटपुट कितना होता है, लगभग 5.5 लीटर पर मिनट, उसका अगर आप 1/5 या 20% निकाल लें तो लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड हमारी किडनी में पर मिनट फिल्टर होने के लिए आएगा, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में कितना ब्लड आया, 1100 से 1200 ml, इसमें से जो 55% होता है वो होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा ही छनता है, लिक्विड पार्ट ही छनता है बेटा, सॉलिड पार्ट तो नहीं छनेगा। तो ये आ जाएगा करीब 700 ml के करीब आ जाएगा, 700 ml के करीब ये आ जाएगा, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट क्या होती है, इस 700 ml में से भी केवल 19% 18 से 19% ही छन पाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, यानी देखिए द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड एज GFR, एक मिनट में किडनी कितना छान पा रही है प्लाज्मा का, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, और ये होता है 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट, तो 24 घंटे का आता है 180 लीटर पर डे। नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं, जो मेडुला के हिस्से तक पहुंच गए थे, ऐसे नेफ्रॉन जो मेडुला तक पहुंच जाते हैं, देखो जो कॉर्टेक्स तक सीमित रहते हैं, केवल लूप ऑफ हेनले इसमें पाया जाता है थोड़ा सा, और मेडुलरी और नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होगा, तो ये देखिए सिर्फ लूप ऑफ हेनले का फर्क है, ये छोटे होते हैं और इसका ज्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है, थोड़ा सा हिस्सा मेडुला में होता है जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये भी ये बड़े होते हैं लेकिन इनका लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है और काफी गहराई तक प्रेजेंट होता है, कहाँ गहराई तक प्रेजेंट होता है, मेडुला की गहराई तक, इनको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन। तो देखो ये 15% होते हैं, जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन 15% होते हैं, और ये 85% यानी 85% होते हैं। ग्लोमेरुलस फाउंड इन इनर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स, लार्ज इन साइज, लंबा लूप ऑफ हेनले होगा और मेडुला में काफ़ी गहराई तक प्रेजेंट होंगे, और इनमें वासा रेक्टा पाया जाता है। वासा रेक्टा क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स और ये लूप ऑफ हेनले दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है तो बन जाता है, उसी ब्लड वेसल को वासा रेक्टा कहते हैं, वासा रेक्टा, ठीक है। और ये तभी काम करती है जब पानी को बचाना है बॉडी के अंदर, यानी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। ये 85% तक होते हैं, इनका मेनली हिस्सा कॉर्टेक्स के रीजन तक फैला होता है और आउटर कॉर्टेक्स तक फैला होता है, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है, ये बहुत कम इनका पार्ट मेडुला में आता है और इनमें वासा रेक्टा नहीं होता है, ठीक है। इनका वासा रेक्टा होता भी है तो काफी रिड्यूस होगा, मतलब ये वाटर कंजर्वेशन या यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन में कोई सहायता नहीं करते, ठीक है। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल, पीसीटी का काम क्या है, पीसीटी जितना भी न्यूट्रिएंट है और करीब 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लेती है, और पीएच भी मेंटेन करती है, आयनिक बैलेंस भी मेंटेन करती है, मतलब ऑस्मोरेगुलेशन भी करेगी, कैसे करती है, सिलेक्टिव सिक्रीशन द्वारा, ठीक है। और कौन से आयन का, एच प्लस आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयन का। लूप ऑफ हेनले क्या होता है, लूप ऑफ हेनले जो होता है इसमें रीअब्सॉर्प्शन काफी मिनिमम होता है, क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ हुआ, पीसीटी में, मिनिमम कहाँ होता है, तो ये लूप ऑफ हेनले में होता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूड, मतलब मेडुला का जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो सबसे ज्यादा मेंटेन कौन करता है, जो मेडुला में फैला होगा, और देख रहे हो मेडुला में क्या फैला हुआ है, लूप ऑफ हेनले। डीसीटी क्या होता है, डीसीटी में कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी को कंट्रोल करने के लिए एडीएच हार्मोन और नमक को कंट्रोल करने के लिए एल्डोस्ट्रॉन यानी सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन काम आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर टेक्स प्लेस, सॉल्ट के लिए ये वाला और वाटर के लिए ये वाला। यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्सॉर्प्शन होता है और सेलेक्टिव सिक्रीशन उन्हीं आयन्स का होता है जो पीसीटी में हो रहे थे, यानी एच प्लस आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया आयन, इससे पीएच मेंटेन हो रहा था और सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी मेंटेन होता है हमारे ब्लड में, ठीक है। आखिरी भाग होता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट वो हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा नेफ्रॉन से पानी एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला जाएगा। बताइए अगर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ब्लड में चला जाएगा, तो ब्लड में पानी की तो अधिकता हो जाएगी लेकिन यूरिन में पानी की कमी हो जाएगी, यूरिन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट, और यहाँ पर पीएच और आयनिक बैलेंस भी मेंटेन किया जाता है, कैसे, सिलेक्टिव सिक्रीशन, किन आयन्स द्वारा, एच प्लस और पोटेशियम आयन। अब की बार अमोनियम आयन काम नहीं आएगा जबकि अमोनियम आयन पीसीटी और डीसीटी दोनों में काम आ रहा था, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, और टर्म यूरिन पहली बार कलेक्टिंग डक्ट में ही इस्तेमाल करते हैं, और यूरिन कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कैसा होता है, हाइपरटॉनिक, हाइपरटॉनिक, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है बेटा,
अच्छा, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है सिलेक्टिव सिक्रीशन या सिर्फ सिक्रीशन। देखिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ब्लड इज फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलस थ्रू द 3 मेम्ब्रेन। मतलब ब्लड जो आया वो 3 मेम्ब्रेन द्वारा छनेगा। पहली मेम्ब्रेन हो गई कैपिलरी की, स्क्वैमस एपिथिलियम, फिर उसके बाद हो जाएगा बेसमेंट सब्सटेंस, फिर हो जाएगा बोमेन कैप्सूल का स्क्वैमस एपिथिलियम, जिनको पोडोसाइट सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो 3 लेयर हो गई, 1, 2, 3। देखिए क्या लिखा हुआ, 3 लेयर होती है। पहला एंडोथिलियम ऑफ ब्लड वेसल, यही एंडोथिलियम ऑफ ब्लड वेसल। दूसरा बोमेन कैप्सूल की जो दीवार थी वो, उसी के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं जिनको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, और बीच में होती बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों लेयर के। ये जो फिल्टर, यहाँ से फिल्ट्रेशन जो होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और यहाँ प्लाज्मा का सब कुछ छन जाता है, सिर्फ प्रोटीन नहीं छन पाती। तो मतलब क्या चीज छन पाती है, प्रोटीन वाली प्लाज्मा की डी प्रोटीनाइज प्लाज्मा। आंसर आएगा डी प्रोटीनाइज प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में से प्रोटीन नहीं छन पाती, बाकी सब कुछ छन जाता है। रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन 90% फिल्ट्रेट का होता है, 90 नहीं बल्कि होना चाहिए 99%। 99% फिल्ट्रेट जो होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल में। और कैसे अब्जॉर्ब होता है, दोनों तरीकों से, एक्टिव और पैसिव, कहीं एक्टिव तो कहीं पैसिव। सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जहां ब्रस्ट बॉर्डर माइक्रोविली एपिथिलियम पाया जाएगा, ये होता है पीसीटी में। सबसे कम कहाँ होता है, ये सबसे कम होता है लूप ऑफ हेनले में। और लिखा है इट इज एविडेंट बाय द फैक्ट दैट आउट ऑफ 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे ओनली 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज रिलीज। बोल रहे हैं इससे ये पता चलता है कि 99% से भी ज्यादा चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती है, भाई 180 लीटर का 99% रीअब्सॉर्ब हो गया, तो बचा कितना, बचा केवल बहुत कम, यानी कि मैं बता दूं 99.2% चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती है, 0.8% यूरिन में कन्वर्ट होती है। अगर आप 180 लीटर का 0.8% निकालोगे तो लगभग आएगा 1.5 लीटर पर डे, जो कि हम एक दिन में यूरिन डिस्चार्ज करते हैं। और सिक्रीशन क्या होता है, सिक्रीशन ट्यूबुलर सेल्स में होता है, ट्यूबुलर सेल द्वारा सिक्रीशन होता है जो कि रीनल ट्यूब्यूल में पाई जाती है। इनमें क्या होता है, इनमें कुछ आयन्स को सिक्रीट करने की क्षमता होती है, जैसे H+ आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन। ठीक है, जो यूरिन में ये डिस्चार्ज कर देंगे। इट मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस और बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करेगा और पीएच को भी मेंटेन करेगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म को हमको देखना है। इसमें क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देखो, यहाँ पे देखो ये है लूप ऑफ हेनले, ये है वासा रेक्टा, इसमें जो है इसमें फ्लूड इधर से इधर जा रहा है, इसमें फ्लूड इधर से इधर जा रहा है, तो काउंटर करंट हुआ ना, ये लूप ऑफ हेनले, ये वासा रेक्टा, तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे देखो एक ऐसे भी देखो और ये भी देखो, ये डिसेंडिंग ये असेंडिंग काउंटर करंट बना, ये डिसेंडिंग ये असेंडिंग काउंटर करंट बना, इनमें इनमें देखो करंट उल्टी है, इनमें इनमें देखो करंट उल्टी है, इनमें इनमें देखो करंट उल्टी है, तो काउंटर करंट बन गया। यानी इन असेंडिंग लिम्ब क्या हो रहा है, रन पैरेलल टू अपोजिट डायरेक्शन इन द डिसेंडिंग लिम्ब, यानी असेंडिंग में फ्लो देखो, डिसेंडिंग में देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए काउंटर करंट मेंटेन हो जाएगी। अच्छा, कौन से दो सॉल्यूट्स यहाँ पे काम आते हैं, NaCl और यूरिया, NaCl और यूरिया, अभी आगे यूरिया भी लिखा मिलेगा। तो NaCl कहाँ से निकलता है, NaCl निकलता है असेंडिंग से, यानी यहाँ से NaCl निकला और यहाँ डिसेंडिंग में चला गया, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में चला गया। NaCl कहाँ से निकला, तो NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, यानी NaCl यहाँ से निकला असेंडिंग से लूप ऑफ हेनले से, और ये वासा रेक्टा के डिसेंडिंग पार्ट में चला गया। इसी तरह अब NaCl क्या होगा, NaCl ये ऐसे घूम के आएगा और यहाँ असेंडिंग पार्ट में चला जाएगा, असेंडिंग पार्ट में चला जाएगा, तो NaCl रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, वासा रेक्टा के असेंडिंग पोर्शन में चला गया। लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा दोनों ही काउंटर करंट में मदद करती है, दोनों ही ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देती है। ऑस्मोलैरिटी कहाँ बढ़ेगी, कॉर्टेक्स में 300 तो आउटर कॉर्टेक्स में 600, इनर कॉर्टेक्स में मेडुला में 900, बिल्कुल अंदर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाता है। तो 300 से बढ़ते बढ़ते 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक बढ़ा देती है, कहां पर, इनर मेडुला में कि आउटर मेडुला में, इनर मेडुला में। ठीक है, मैंने बोला था एक और सल्यूट काम आता है यूरिया, यूरिया कहां से निकलेगा, यूरिया निकलेगा वहां से कलेक्टिंग डक्ट से, यूरिया निकलेगा कलेक्टिंग डक्ट में, और कहां कहां चला जाएगा, ये इंटरस्टिशियल फ्लूड से होते हुए, मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूड से होते हुए असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में चला जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, यूरिया एंटर्स द थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब, ये देखो कलेक्टिंग ट्यूब द्वारा वापस आ जाता है। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट इन मेडुला
ट्यूब इंटरेस्ट रेशियम, इससे क्या होगा 300 से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इट हेल्प इन द इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूबुल टू कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट या यूरिन, बोलते हैं इससे कलेक्टिंग डक्ट से ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल आएगा और यूरिन हो जाएगा काफ़ी गाढ़ा, ठीक है। ADH क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है, ये यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जब यूरिन का वॉल्यूम, जब बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा या पानी का लॉस ज़्यादा हो गया तो ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो उनको सिग्नल चला जाता है, और ये ऑस्मो रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, हाइपोथैलेमस में। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है या हमारा ब्लड का वॉल्यूम घट जाता है तो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर सक्रिय हो जाते हैं जो कि हाइपोथैलेमस को सूचना दे देते हैं। हाइपोथैलेमस ADH का फॉर्मेशन करने लगता है और ADH पानी को किडनी से एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे यूरिन डाइल्यूट होने से रुक जाता है, यूरिन डाइल्यूट होने से रुक जाता है। तो इस प्रकार यूरिन को डाइल्यूट होने से रोक लिया गया। मिक्चुरेशन क्या होता है, डिजायर्ड टू डिस्चार्ज यूरिन, यानी यूरिन को डिस्चार्ज करने की जो इच्छा होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होती है उसी को बोलते हैं मिक्चुरेशन। देखो लिखा है एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। इसमें क्या होगा, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, इसमें क्या होगा, ये वॉलंटरी कंट्रोल होता है अप टू सम एक्सटेंट इन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, बोलते हैं जो बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, देखो जो बच्चे बहुत छोटे न्यूनेट्स वो तो बिना इस, उनको फील ही नहीं होगा कि उनको यूरिन करना है, वो बेड को ही गीला कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे बड़े होने लगते हैं, चिल्ड्रेंस जो होते हैं या हम एडल्ट लोग, तो हमको फीलिंग होती है। तो यानी ये वॉलेंट्री कंट्रोल भी होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है, देखिए पूरा समझिए। जब बूंद बूंद करके यूरिन बढ़ता यूरिन बनता है तो यूरिनरी ब्लैडर फूल जाता है। यूरिनरी ब्लैडर फूल गया तो उसके स्ट्रेच रिसेप्टर खिंच जाते हैं। जब स्ट्रेच रिसेप्टर खिंचे तो यहाँ से सेंसरी नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पता लग जाता है और वो रिस्पॉन्स भेजती है वापस। किसको भेजती है, एक यूरिनरी ब्लैडर को और एक स्फिंक्टर को, स्फिंक्टर जो कि यूरिथ्रा में लगे होते हैं, दोनों को रिलैक्स कर दिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और स्फिंक्टर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, इससे क्या होगा, यूरिन एक फ्लो के साथ बाहर आ जाएगा। तो देखिए पढ़िए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने सिग्नल भेज दिया, ठीक है। ये सिग्नल कहाँ से आया, जब यूरिनरी ब्लैडर के रिसेप्टर स्ट्रेच हुए, और कब ये स्ट्रेच होंगे, जब यूरिन भर जाएगा। इसके रिस्पॉन्स में जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के, वो सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर मैसेज भेजता है किसको, स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को सिकोड़ने के लिए, और किसको रिलैक्स करने के लिए, यूरिथ्रा के स्फिंक्टर को रिलैक्स करने के लिए, जिससे यूरिन डिस्चार्ज होने लगेगा और मिक्चुरेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। और एक स्वस्थ व्यक्ति 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे डिस्चार्ज करता है और पर डे 25 से 30 ग्राम यूरिया को वो बाहर निकालता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम, जब किसी व्यक्ति का GFR 125 ml पर डे पर मिनट से कम हो जाता है तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल रेनिन नाम का हार्मोन निकालने लगती हैं। यहाँ से लिवर से निकलता है एंजियोटेंसिनोजन, चूंकि ये इनएक्टिव है तो रेनिन इसे एक्टिव सब्सटेंस एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है, फिर तुरंत ही इसे एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है। ये 2 दो काम करता है, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पर जाकर के एल्डोस्ट्रॉन का सिक्रीशन बढ़ा देता है जिससे सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन जब DCT से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी तो GFR जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखो GFR बढ़ गया। और एक काम और करता है, ये जो किडनी की ब्लड वेसल है इनको सिकोड़ देता है। किडनी की ब्लड वेसल सिकुड़ेंगी तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो GFR भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार घटा हुआ GFR बढ़ा दिया, किसने बढ़ाया, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, देखो लंग्स जो होती है ये CO2 को डिस्चार्ज करती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो लंग्स होती है ये CO2 को डिस्चार्ज करती है, क्यों, जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 निकलती है, प्लस थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी निकल आता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो यहाँ 18 लीटर पर डे ना लिख करके नई वाली NCERT में हो गया 200 ml per minute CO2 डिस्चार्ज करती है और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर भी डिस्चार्ज करती है। लिवर बिलीरुबिन बिलीबर्डिन जो कि बाइल पिगमेंट होते हैं उनको एलिमिनेट करता है, किसके साथ एलिमिनेट करता है, अलॉन्ग विद कोलेस्ट्रॉल विटामिन्स ड्रग्स और डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन। और ये कहाँ से डिस्चार्ज होंगे, मल पदार्थ के साथ, मल पदार्थ यानी डाइजेस्टिव वेस्ट, ठीक है। स्वेट एंड सीबेसस ग्लैंड, ये हमारी स्किन में होती है, ठीक है। स्वेट के समय क्या होता है, थोड़ा बहुत यूरिया और NaCl और लैक्टिक एसिड वगैरह निकल जाता है। देखो लिखा है जब हम स्वेटिंग करते हैं ये सब सब्सटेंसेस निकल जाते हैं। सीबेसस ग्लैंड यानी ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड क्या करती है, ये कुछ सब्सटेंस जैसे स्टेरॉइड
हाइड्रोकार्बन और वैक्स को डिस्चार्ज करती है, तीनों को मिला के बोलते हैं सीबम, यानी सीबम डिस्चार्ज करती है। सलाइवा भी थोड़ा बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट डिस्चार्ज करती है और हैवी मेटल और ड्रग भी डिस्चार्ज करती है, ठीक है। यूरिमिया क्या होता है? देखो, जब हमारे यूरिया में हमारे ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है तब इसी को बोलते हैं यूरिमिया। इसका मेन कारण होता है किडनी का सही से काम ना कर पाना। इसके लिए करेंगे क्या? हीमोडायलिसिस करेंगे। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं समझ लीजिए, पहले यहाँ से ब्लड निकाला रेडियल आर्टरी से, रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाला और उसको उसको एंटी उसको हिपेरिन मिला दिया। हिपेरिन मिलाने से वो ब्लड अब जमेगा नहीं। अब उस हिपेरिन मिलाने के बाद एक बॉक्स में डाल देते हैं जिसको बोलते हैं हीमोडायलाइजर। उसके अंदर डायलाइजर फ्लूड भरा होता है, ठीक है। अब हमारे ब्लड का जितना कॉन्सेंट्रेशन होता है उतना ही उसका भी कॉन्सेंट्रेशन होता है उस फ्लूड का। सिर्फ हमारे ब्लड में जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं ये जितने हैं वहाँ पे नील रखना है, तो हमारे ब्लड से ये छन छन के उस हीमोडायलाइजर फ्लूड में चले जाते हैं और इस तरह से हमारा ब्लड साफ हो गया। अब इस ब्लड को रेडियल वेन से चढ़ा दिया जाता है वापस पेशेंट को, लेकिन साथ में एंटी हिपेरिन जरूर मिलाया जाता है। तो देखिए पढ़िए, रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम द ब्लड आर्टिफिशियली, इसी को बोलते हैं हीमोडायलाइजर। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, आर्टरी, कौन सी आर्टरी, रेडियल आर्टरी ले लेते हैं, हीमोडायलाइजर यूनिट में ब्लड निकालते हैं और उसमें एंटीकोगुलेंट जैसे हेपेरिन मिला देते हैं। अब ब्लड को पास कराते हैं क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब। क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब जो कि डायलाइजर फ्लूड के संपर्क में रहता है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल लेगा, ठीक है, ब्लड से, और ब्लड हो जाएगा क्लियर एंड दिस ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द कन्वीनियंट थ्रू द वेन। कौन सी वेन? रेडियल वेन, बाय एडिंग द एंटी हेपेरिन सब्सटेंस। रीनल कैलकुली क्या होती? पथरी। इसमें क्या होता है, हमारे किडनी में इनसोल्युबल मास बन जाता है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स के रूप में इनसोल्युबल मास बन जाता है जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह के बने हो सकते हैं या कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह के बने हो सकते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है किडनी में जलन होना। इसका मेन कारण हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? देखो, जब किसी की भी किडनी फेल हो जाती है तो वो सही से काम नहीं कर पाता, टोटल फेल हो गई तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही एकमात्र इसका उपाय है कि किडनी फेल्योर को रोका जा सके। इस केस में क्या करते हैं, यदि दोनों किडनी डैमेज हो गई है तो किसी एक किडनी किसी भी व्यक्ति से ले लेंगे और उसको दूसरे व्यक्ति को दे देंगे। तो फंक्शनल किडनी हेल्दी डोनर से ले लेते हैं और ये हमेशा क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर क्लोज रिलेटिव होगा तो टिश्यू मैच कर जाएंगे, अगर टिश्यू मैच नहीं करेंगे तो फिर हमारी बॉडी इसको रिजेक्ट कर देगी। और आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन द पेशेंट एंड डोनर कैन सर्वाइव वन किडनी ओनली, यानी एक किडनी से दोनों सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। और प्रिकॉशंस क्या लेने पड़ते हैं, पहला, किडनी शुड बी टेकन फ्रॉम हेल्दी डोनर, वो भी क्लोज रिलेटिव होना चाहिए वरना रिजेक्ट हो जाएगी। टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग जरूर करा लेनी चाहिए, अगर कंपेटाइबल है तभी देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। फिर तीसरा, पेशेंट जो रेसिपियंट्स है उसको कुछ मेडिसिन देनी चाहिए। कौन सी मेडिसिन? इम्यूनोसप्रेसिव, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, जिससे उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए। और जब इम्यूनिटी पेशेंट की सप्रेस हो जाती है या रेसिपियंट्स की सप्रेस हो जाती है तो उस ऑर्गन रिजेक्शन का चांस घट जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया सब कुछ, फिर मिलते हैं हम लोग बायोलॉजी इन वन शॉट, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए ताकि हर बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सकता है मिल सके, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।